हेलो एवरीवन, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। आज तो वीडियो स्टार्ट करते ही थोड़ा सा मूड ऐसे अपसेट सा हो रहा है। अभी तक तो सारी दुनिया को ये न्यूज़ पता चल चुकी है जिस बारे में बात करने जा रही हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। बिग बॉस 13 का विनर सिद्धार्थ शुक्ला, कितना मतलब उस शो में उसके साथ कितना कुछ हुआ, कितना कुछ उसे बोला गया और उसके उसके मतलब थ्रू भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गलतियाँ की गई थी जिसके, बट फिर भी अगर वो गलत भी होता था ना तब भी वो मुझे अच्छा लगता था पर्सनली, वो तब भी मुझे अच्छा लगता था। वो कुछ भी करता था वो मुझे अच्छा लगता था, चाहे उसकी कौन है वो लड़की का नाम भी याद नहीं है, वो चाय फेंकने वाला सीन हो चाहे कुछ भी हो, जब भी हो वो उसके साथ कोई कुछ उसको बोलता था ना, मुझे उस पर लिटरली बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा, कि ये सिद्धार्थ को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये है वो है, पता नहीं एक अटैचमेंट सा ऐसा हो गया था। और इतना हैंडसम, इतना लंबा, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी कि कोई भी देख के मतलब फर्स्ट टाइम पे देख के उसको इम्प्रेस हो जाएगी कि क्या पर्सनैलिटी है, क्या बंदा है यार। तो सेम थिंग मेरे साथ भी थी, मेरे साथ क्या यार, दुनिया में मुझे लगता है कोई बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको नफरत करते होंगे। अदरवाइज मैं तो, मेरे को तो बहुत पसंद था। लोग बिग बॉस के टाइम पे भी उसको कोई बोलता था सिद्धार्थ ऐसा सिद्धार्थ ऐसा, तो मैं कहती थी चुप रहो मुझे तो वही अच्छा लगता है। किसी को आसिम अच्छी लगता था तो मेरे को तो आसिम फूटी कौड़ी निभाता था, पर वो सिद्धार्थ ही अच्छा लगता था। और उसके साथ सिद्धनाज की जोड़ी, सना की जो जोड़ी थी वो तो सभी को पता है कितनी फेमस हुई, कितनी अच्छी चली, पर क्या आज वो बंदा चला गया यार, यूं ही चला गया। बताओ, समझ नहीं आता। बताओ इंसान की लाइफ क्या है ना, कि रात को आप सोए हो, सुबह आप उठे ही नहीं हो, नींद में ही कुछ हो गया, नींद में ही अटैक आ गया। ये सब चीज़ें देख के ना माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि ये 2021 क्या आया है। और जितने यंग, कुछ कितने लोग कोविड से इसमें मर गए, सारे यंग 40 प्लस होंगे या 40 के अंडर में ये सब होंगे, सारे लोग ही ऐसे गए हैं। तो भगवान ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, ये कैसे कैसे लोग चले गए। तो फिर वही सब बातें याद आने लगती है। आज कुछ चीज़ें हम भूलने की कोशिश करते हैं, फिर वैसा ही कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर वही सब चीज़ें याद आने लगती हैं कि यार ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था, इसके साथ ये, उसके साथ वो। तो आज का दिन अच्छा नहीं रहा यार। सुबह मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये सब हो गया करके, मैं सफाई कर रही थी, नीचे पूजा ने मुझे बताया कि भाभी सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई। मैंने कहा हैं, मेरे को सिद्धार्थ शुक्ला का उन्होंने बोला और मेरे चेहरे, मेरे आंखों के आगे सिद्धार्थ शुक्ला का फेस ना आके सिद्धार्थ मल्होत्रा का फेस आया, मैं एकदम शॉक। मैंने कहा हैं, वो भी तो अभी छोटा ही है, सिद्धार्थ शुक्ला का पता नहीं क्यों शुक्ला, फिर भी मैं नहीं, वो हुआ उसका फेस मेरे फेस उसके ऊपर आया, तो बुरा ही लग रहा है यार। अब क्या बोल सकते हैं ना, बेचारा अपनी माँ को ऐसे ही छोड़ के चला गया, बहनों को ऐसे ही छोड़ के चला गया, बुरा लग रहा है यार सीरियसली। अकेले बैठ के कभी ये चीज़ें सोचते हैं तो क्या बोलूँ, नो वर्ड्स। और न्यूज़ आज देखो तो बस फिर वो न्यूज़ में वही सब कुछ कि आपका दिमाग जितना आप कोई चीज़ को नहीं सोचना चाहते फिर वही चीज़ें सोचने में मजबूर आप हो जाते हो। और मुझे तो यार वो सना, वो लड़की, इतना मतलब कितना कितना ज़्यादा अटैचमेंट था उसको सिद्धार्थ के साथ बिग बॉस में, आपने वो सब देखा ही है, उसका क्या होगा यार, क्या करेगी वो। माँ के लिए तो है ही है, माँ भी कोई ऐसा नहीं है कि माँ के साथ कोई और सहारा था या कुछ था, माँ का भी वही सहारा था। जबकि खाने पीने में भी वो बंदा, जैसे बिग बॉस में देखते थे सब लोग क्या खाते थे, वो बीमार तो रहता था, कुछ ना कुछ तो वो लगा रहता था, पर क्या रीज़न होगा, हुआ होगा ये समझ नहीं आता। क्या बोले, बस थोड़ा दिल की यही बातें थी जो आपसे मैंने शेयर करी। अच्छा नहीं लगा यार, ऐसा कुछ हो गया, जो भी हो गया, पता नहीं क्यों दुनिया में लोग आते हैं और फिर ऐसे चले जाते हैं। एटलीस्ट अपनी लाइफ तो उतना एक टाइम पीरियड तो भगवान को सभी को देना चाहिए ना, कि इस टाइम तक आपको जो है लाइफ जीनी है ना। इतनी जल्दी जाना कोई जस्टिस नहीं है यार, कोई फांसी लगा ले रहा है वैसे जा रहा है, कोई कोविड से जा रहा है और कोई इसी तरीके से एकदम खामोशी में, रात को इंसान सोया है सुबह उठा ही नहीं। मत करो बेटा, चलो मैं और क्या बोलूँ, भगवान जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति दे, जल्द से जल्द उनको दोबारा जन्म दे,
उनके जो भी कोई अच्छे कर्म हो उनको स्वर्ग प्राप्त हो, बस यही बोल सकती हूँ। आगे ना कोई मुश्किल हो। चलो फिर ठीक है।